नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं रीवा जिले के त्योंथर तहसील स्थित प्राचीन भुवनेश्वर नाथ पचमठा भूलनिया मंदिर में, जो त्योंथर नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत टमस नदी के तट पर बना हुआ है। यह प्राचीन मंदिर अपने आप में ही काफी अद्भुत है और कई राजों को संजो कर रखे हुए हैं। 5 फ्लोर में बना यह प्राचीन मंदिर, जो कि भुलनिया मंदिर के नाम से भी काफी प्रसिद्ध है, ऐसा इसलिए कि इस प्राचीन मंदिर के सबसे ऊंचे शिरे तक सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। परंतु आवागमन के मार्ग में कई ऐसे बिंदु हैं जहां व्यक्ति पूरी तरह से भटक सकता है। फ्लोर के हिसाब से सीढ़ियों के आकार भी परिवर्तित हो जाते हैं। उक्त प्राचीन भुवनेश्वर नाथ पचमठा मंदिर के अपने कई राज भी हैं। बताया जाता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व उक्त प्राचीन मंदिर का निर्माण हुआ है, जहां मंदिर प्रांगण से लगभग 150 मीटर दूरी पर कोल राजाओं का किला भी है, जो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था। परंतु चुनाव से पूर्व शिवराज सरकार द्वारा किले के जीर्णोद्धार हेतु 3 करोड़ से अत्यधिक की राशि दी गई थी, जिसका कार्य अभी प्रगति पर है। उक्त मंदिर का संबंध भी कोल राजाओं के किले से बताया जा रहा है, परंतु मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर पहल नहीं किया जा सका है। भुलनिया मंदिर के बनावटों पर फोकस करें तो जिस वक्त त्योंथर में राजाओं का शासन चलता था, मंदिर के विभिन्न पॉइंटों में राजाओं के सैनिक क्षेत्र में अपनी नजर रखते थे। वहीं 5 फ्लोर होने की वजह क्षेत्र के दूर वाले हिस्सों पर भी नजर रखा जा सकता था। सुने क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का। यह मंदिर 16वीं सदी का यह मंदिर है। बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर के बारे में बताया कि ये हमारी बहुत बड़ी हमारे नगर की धरोहर है और इसके नाम से त्योंथर जाना जाता है। कहीं बाहर का आदमी कभी कोई घूमने आता है तो इस मंदिर को जब देखता है तो वहाँ जाके कहता है कि वहाँ बहुत ऐतिहासिक, बहुत बड़ी भुलनी मंदिर है। ये एकदम उपेक्षित मंदिर है। यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा आज तक कोई भी ऐसा सहयोग नहीं किया गया, ना इसका जीर्णोद्धार। पीछे का सिरा मैं आपको दिखाया हूँ कि गिर चुका है। जो अगर इसका जीर्णोद्धार समय रहते न किया गया तो कभी भी यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो सकती है। इतनी बड़ी अति प्राचीन धरोहर का नुकसान हो जाएगा। यही आपसे निवेदन है कि शासन प्रशासन इसके जीर्णोद्धार की व्यवस्था कराएं। जैसा कि अभी टमस नदी के किनारे एक किला जो था, जिसका जीर्णोद्धार किया गया, उसके लिए लागत आई, उसी से जुड़ा हुआ यह भी प्रांगण है, इसके लिए क्या पहल नहीं हो पाई? इसके लिए अब ये है कि आप जानते हैं सांसद विधायक इसमें पहल कर सकते हैं। सांसद विधायक के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का यहाँ सहयोग नहीं दिया गया। और जो ये कोलगढ़ी का जो चल रहा कार्य, उसी से रिलेटेड मंदिर है। अगर इसका भी जीर्णोद्धार माननीय सांसद महोदय, विधायक, कलेक्टर महोदय अगर इसमें ध्यान दे देंगे, बहुत बड़ी ये अचल संपत्ति है यहाँ के नगर के लिए और बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी कृपा होगी शासन प्रशासन। इसमें अभी हम लोगों ने भ्रमण किया, इसमें कई फ्लोर हैं जी, अंदर की क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार से निर्माण है अंदर? अंदर इसको भुलनी मंदिर कहा जाता है। वहाँ आदमी जो घूमने जाता है भूल जाता है, एक बार निश्चित भूल जाता है। आप लोग भी शायद भूल गए हैं, हमें तो साथ में था, तो इसलिए बहुत ही अच्छा दृश्य पूरे त्योंथर नगर बस्ती का क्षेत्र दिखाई देता है। वास्तव में प्राचीन जो मंदिर है, इतना अच्छा बनाया गया है, अगर इसको जीर्णोद्धार कर दिया जाए तो वास्तव में इसमें खूबसूरत त्योंथर के अलावा यहाँ पर आप कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा इससे अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा और इस मंदिर में, इससे हम सभी से निवेदन है सरकार से भी कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करें, ताकि यहाँ पर्यटक स्थल, बगल में तालाब भी है, अच्छे जो है अच्छा स्थान यहाँ का बनाया जा सके, यही हमारा विशेष आग्रह। मंदिर के जो भवन है वहाँ आप अंदर ऊपर तक गए, कितने फ्लोर का था और किस प्रकार से वहाँ गए, वहाँ का दृश्य क्या था? ये लगभग 4 मंजिला का है, हम लोग 3 चढ़ पाए थे, एक ही बचा था, 5 का है, 4 तक चढ़ गए थे। लेकिन वहाँ अंदर जाने पर बड़ा अजीबोगरीब महसूस हो रहा था, किस तरह से चढ़ना, फिर उतरने के बाद हम लोग भूल गए थे किधर उतरना है, लेकिन पुनः जो है आकर के अपने स्थान पर आए। ये मंदिर लगभग 4-5 हजार वर्ष पुराना हो गया है। ये भी इसमें जो चिन्ह पाए गए हैं, ये देखिए ये अशोक सम्राट
जहाँ भी बनाया जाता था इस तरह के चिन्ह अशोक सम्राट के द्वारा ही बनाए जाते थे। तो अशोक सम्राट क्या थे कि गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, उनकी यादगार में इस तरह से भारत में उन्होंने कई मठ बनवाए, मंदिर नहीं है मठ। और इसका जो कॉन्टेक्ट है यहीं से थोड़ी दूर में जाएंगे नाथ घाट, अंदर ही अंदर जहाँ गौतम बुद्ध स्तूप बना है तो वहाँ अंदर ही अंदर इसकी रास्ता जाती है। और इसका कॉन्टेक्ट अंदर ही अंदर पूरी दिल्ली तक, अंदर सुरंग के द्वारा राजाओं का यहाँ आना जाना होता था। और ये विशेष तौर पर जो ये आप कच्छ देख रहे हैं, मठों पर संतों को रखा जाता था। ये जो आप देख रहे हैं सब कच्छ तपोस्थली है, ये घोर तपोस्थली है। ये चित्रकूट का जो प्रथम चरण है यही से प्रारंभ होता है, इसी जगह से जहाँ भी कई तपस्वी रह चुके हैं। और आज भी जो दृष्टांत मुझको आता है, जो दिखाई दे रहा है अदृश्य रूप में, 12 साल के अंदर में मैं रात में अकेला रहता हूँ, क्योंकि कोई भी आत्मा तब दिखाई देती है जब इंसान अकेला रहता है। रात को ऐसी बहुत सारी बातें हमको समझ में आई, बड़ा अद्भुत उसका।